गुड मॉर्निंग क्लास। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ लिया था। आज हमें रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना था, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स हमारे क्या होते हैं। कि द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से मिलके बना होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स दैट्स मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अब हम यहाँ देखते हैं रॉक्स किसे बोलते हैं। कि किसी भी मिनरल मैटर का जो हमारा नेचुरल मास होता है, जो हमारा क्रस्ट क्रस्ट के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक। मिनरल मैटर का जो नेचुरल मास होता है, जो क्रस्ट के फॉर्मेशन में हमारा यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। मतलब यहाँ में बताया गया कि जो रॉक्स के टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये थ्री टाइप्स के हमारे रॉक होते हैं। उसके बाद अब हम इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। कि व्हेन द मेल्टन मैग्मा, आपको पता है जब हमारा वोल्केनो ब्लास्ट होता है, ये जो हमारे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, वो हमारा जो थ्री रॉक्स दिया हुआ गिवन है हमारा यहाँ पे, ये हमारा एक जब वोल्केनो ब्लास्ट के अकॉर्डिंग हमारा दिया हुआ है, जो हमारी ये है सारी, ये वोल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि व्हेन द मेल्टन मैग्मा कूल्स, जब आपका वोल्केनो ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर से आपको पता है मेल्टेड मैग्मा बाहर आता है ना, तो वो जब बाहर आता है और वो इट बिकम्स कूल जब वो ठंडा होता है, दस रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स। तो जो ऊपर बिल्कुल अर्थ के ऊपर जाके मैग्मा आके ठंडा होता है, तो उस टाइप की जो रॉक्स हमारी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स हम बोलते हैं उसे, ठीक है। दे आर टू टाइप्स, जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती है या प्राइमरी रॉक्स होती है, ये टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दूसरा हमारा क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हमारा क्या होता है। कि वेन मेल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब हमारा मेल्टेड लावा होता है वो बाहर आता है अर्थ सरफेस के, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। और ये मतलब काफ़ी रैपिडली, काफ़ी तेज़ी के साथ ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी ये सॉलिड हो जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस टाइप का जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, ये आपका पता बहुत फाइन, मतलब मैं आपसे बोलूं कि क्या बोलते हैं उसे, फाइन ग्रेन मतलब बहुत महीन स्ट्रक्चर होता है इसे, वेरी फाइन, इट इज़ अ वेरी वेरी डेंस आप बोल सकते हैं इसे, वेरी फाइन ग्रेनेड स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बेसाल्ट, ठीक है, एग्जांपल इसका क्या हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का बेसाल्ट। दूसरा हमारा क्या है कि सम टाइम द मेल्टल मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। समटाइम्स ऐसा होता है, कहीं कहीं आप देखते हैं कि काफ़ी गड्ढे टाइप की जगह होती है, वहाँ उसके थ्रू मैग्मा अर्थ के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि जैसे कहीं पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे कहीं खाई है, खाई में जाके मैग्मा एकदम कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसकी जो कूलिंग की प्रोसेस होती है वो इनसाइड अर्थ होती है। एक्सट्रूसिव में जो कूलिंग प्रोसेस होती है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर होती है। जो इंट्रूसिव आपके इग्नियस रॉक्स है, इसमें क्या होती है कि कूलिंग प्रोसेस इनसाइड द अर्थ होती है, ठीक है। इतना दोनों में डिफरेंस है। सॉलिड रॉक्स सो आर फॉर्म कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स, मतलब जो आपकी रॉक्स का जिनकी कूलिंग प्रोसेस आपकी इनसाइड द अर्थ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, इनके कूलिंग होने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, ये आपकी लार्ज ग्रेन आपकी फॉर्म करती हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, इसका जो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, इसका जो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका ग्रेनाइट है, ओके। फोर्थ पॉइंट वहाँ पर देख रहे हैं, रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट दैट दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्री सेडिमेंट। जब आपके रॉक्स क्या होती हैं कि इग्नीशियस रॉक्स, जब आपका किसी ना किसी फॉर्मेशंस के थ्रू
बाई द रोलिंग डाउन एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट के थ्रू जब आपका रॉक्स इग्नीशियस रॉक्स अपने दूसरे फॉर्म में जाके चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड कंपोजिट एंड हार्डनेड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब आपकी जब आपकी इग्नियस रॉक्स होती है, जब उसमें बहुत सारे किसी जैसे आपकी एसिड ड्रेन्स हो गई, इन सारे चीज़ों के थ्रू जब बहुत सारी कुछ केमिकल्स रिएक्शन उसके अंदर होते हैं, तो वो क्या होती है कि आपके जो रॉक्स होती हैं उसकी क्वालिटी में देर इज़ ए लिटिल बिट काइंड ऑफ डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स हम देखते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो आपकी इग्नियस रॉक्स है वो भी एंड जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी, ये आपकी चेंज हो सकती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मतलब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जब वो बियर करती हैं तो क्या करती हैं, इग्नियस रॉक भी आपकी एंड सेडिमेंट्री रॉक दोनों आपकी क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंज इंटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल। जो आपका क्ले होता है वो स्लेट में चेंज हो जाता है। जो आपका क्ले है एक्चुअली में ये आपका इग्नियस रॉक है, ये चेंज हो जाता है स्लेट में, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। और जो लाइम स्टोन है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ये चेंज हो जाता है आपका मार्बल्स में। मार्बल आपका क्या है, मार्बल आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। जो फॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका है वन रॉक से सेकेंड रॉक में चेंज होने का, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं हम, क्या, वेन द मैग्मा मेल्टन मैग्मा कूल्ड इट सॉलिडफाइड बिकम इग्नीशियस रॉक। इग्नियस रॉक्स जब आपका मेल्टन मैग्मा जो होता है वो कूल होता है तो ये आपका मतलब सॉलिड सॉलिड होने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इग्नीशियस रॉक में। दीज इज इग्नीशियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मार्ट पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट इंटू फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स। आपके जो इग्नीशियस रॉक होता है इसको स्मॉल प्रॉड पार्टिकल बेच करके ट्रांसपोर्टर्स एंड डिपोजिटेड। वही मैं आपसे बताया हुआ ना कि जो आपका इग्नीशियस रॉक है वो आपका दूसरे किसी न किसी फॉर्म से जाके चेंज करके उसे सेडिमेंट्री रॉक में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि वेन द इग्नीशियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट प्रेशर दे चेंज इन टू मेटामॉर्फिक रॉक। अभी इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि जब हाई प्रेशर एंड हीट प्रोवाइड मिलती है इग्नीशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक रॉक विच का आर स्टिल अंडर ग्रेटेड हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फ्रॉम मेल्टन मैग्मा। आपको पता है ये जो आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है जब इस पर हाई हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो ये फिर से मैग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मेल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इन टू इग्नीशियस रॉक। ये मेल्टन मैग्मा फिर वही आपका पता है वोल्केनो ब्लास्ट होता है, फिर उसके बाद जाके मैग्मा निकलता है, उसके बाद फिर ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, फिर ये इग्नीशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं रॉक साइकिल। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो आपके रॉक्स हैं वो आपके डिफरेंट मिनरल्स से मिलके बने हुए हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। आपके जो मिनरल्स होते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसमें एक सर्टेन पॉइंट तक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन के थ्रू जाके ये इनका फॉर्मेशन होता है मिनरल्स का आपका। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो वो हम डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।